गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 3/5 एंड 4/5। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे प्लस सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइन खींच के आप ये कॉमन वैल्यू नीचे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ प्लस 4। आंसर आपको क्या मिलेगा 7/5। ठीक है, इसके बाद आप सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -4/5 एंड -3/5। -4/5 एंड -3/5, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ये नंबर नेगेटिव है, माइनस में है, तो आप इन नंबर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस -3/5। ठीक है, अब यहाँ तो बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हैं आप। -4/5, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में अगर माइनस साइन है, बाहर प्लस साइन है, प्लस माइनस, ब्रैकेट आप हटाएंगे और साथ में माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/5। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, लाइन खींच के कॉमन वैल्यू आप लिखेंगे, ये माइनस है, -4 -3। आंसर आपको क्या मिलेगा 7/5, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद आप लास्ट वाला पार्ट देखिए, इसका 7th का लास्ट पार्ट 6th, 1/18 एंड -17/18। 1/18 एंड -17/18, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे प्लस, ये माइनस नेगेटिव नंबर है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसको -17/18। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम नहीं लेना, यहाँ कॉमन वैल्यू नीचे लिखेंगे 1, प्लस माइनस क्या होता है -17। ठीक है, 1 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -16/18, 2 से कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर आपका है -8/9, यह आपका आंसर है। अब आप 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, -2/5 एंड 7/4। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, -2/5 एंड 7/4, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। माइनस में है नंबर, तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे प्लस 7/4। बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5, यहाँ क्या है 4। अब आपको ये डिनोमिनेटर सेम बनाना है, कैसे बनाएंगे आप, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। 5 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए, किससे जाएगा ये 4, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ 5 बचा है, ये 1 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमें लास्ट में 1 1 ना मिल जाए। अब एलसीएम कैसे कैलकुलेट करोगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, वैल्यू क्या आएगी 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचे कॉमन, ये एलसीएम की वैल्यू आप नीचे लिखेंगे 20। अब आप ये वाला डिनोमिनेटर चेक कीजिए, फर्स्ट वाला, 5 के टेबल में 20 कब आएगा, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो इस 4 को आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपको क्या मिलेगा -8 प्लस। अब इस डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, 4 के टेबल में 20 कब आएगा, 4 का टेबल पढ़िए, 4 5 ज़ा 20, 4 के टेबल में 20 5 पर आता है, इस 5 को आप ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है,
सेवन फाइव सा 35 प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे आप इसको वैल्यू क्या आएगी आपको 27/20। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, माइनस 11/12 एंड माइनस 33/9, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। माइनस 11/12 नेगेटिव नंबर है, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस 33/9। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो सकता है, यस आपको 3 से कैंसिल करना है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हैं आप। अब यहाँ ब्रैकेट में माइनस है और बाहर क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस और ब्रैकेट हट जाएगा। अब आपको 12 एंड 3 का एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम 12 एंड 3 का एलसीएम फाइंड करो, सॉल्व करके आपको एलसीएम की वैल्यू क्या मिलेगी, 12। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, एक लाइन खींच के डिनोमिनेटर में जो एलसीएम की वैल्यू है वो आपको यहाँ लिखनी है। अब 12 के टेबल में 12 कब आएगा, 1 पर आएगा, 12 वन ज़ा 12, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू रहेगी। अब ये वाला डिनोमिनेटर चेक करो, 3 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, इस 4 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 44। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 55/12, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप 8 का कौन सा पार्ट करेंगे, 7th पार्ट बता देती हूँ मैं आपको, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। 7th और 8th के जो बचे हुए पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको खुद से कॉपी में कंप्लीट करना है। 8th का आप 7th पार्ट देखिए, इसमें वैल्यू हमें क्या गिवन है, -5/18 एंड -18/5, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट नंबर लिखेंगे प्लस सेकंड नंबर, माइनस में है नंबर इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट आप हटा यहाँ पे रिमूव करेंगे, हटा सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा। 18 और 5 का यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, इसलिए आपको यहाँ एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। अब आप 18 और 5 का एलसीएम फाइंड कीजिए, एलसीएम ऑफ 18 एंड 5 क्या वैल्यू आएगी, जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे, आपको पता है एलसीएम कैसे फाइंड करना है, ये 9 के टेबल में जाएगा, 9 टू 18, 5 2 के टेबल में जाएगा और ये 5 के टेबल में जाएगा, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम का वैल्यू आपको मिलेगा 90। इसलिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लाइन खींच के जो एलसीएम का वैल्यू आए वो आप नीचे लिखेंगे। अब इस डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, 18 के टेबल में 90 कब आता है, 18 के टेबल में 90 कब आएगा, 5 पे आएगा, 18 5 सा 90, ठीक है ना, 18 5 सा क्या होता है, 90 होता है, रफ में आप चेक कर सकते हैं, 18 के टेबल में 5 पर 90 आएगा, ठीक है, तो इस 5 को आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं। अब ये वाला डिनोमिनेटर चेक करो, 5 के टेबल में 90 कब आएगा, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 90 को 5 से डिवाइड कीजिए, 95 से कम्प्लीटली कब डिवाइड होते हैं, 18 पर, ठीक है ना, 5 के टेबल में 18 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 90 मिल जाएगा, यानी इस 18 को आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 के टेबल में 90 कब आएगा, 18 पर, सो उस 18 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो जाएगा, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 324 आएगा अपॉन में 90, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है। अब -25 - 324 आंसर विल बी -349/90। ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।